मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। जस्ट अभी मैं सोकर उठा हूँ और अभी मात्र 5 मिनट है क्लास स्टार्ट होने में, तो अभी सबसे पहले क्लास के लिए रेडी हो जाता हूँ और मिलता हूँ आपसे क्लास के बाद। ऑनलाइन क्लास है तो 5 मिनट काफ़ी है अभी क्लास अटेंड करने के लिए। लैपटॉप वगैरह ऑन ऑन करके बैठ जाते हैं, थोड़ा मुँह ऐसे तो अच्छा ही दिख रहा हूँ कि आप ऑनलाइन क्लास में तो वीडियो ऑन करवाएंगे तो थोड़ा सा बस चेहरा तो दिखाना रहता है अटेंडेंस के लिए बस। तो अभी पहले क्लास अटेंड करता हूँ, मिलता हूँ फिर आपसे क्लास के बाद। आज का क्लास जो है ना कंप्लीट हो गया, फाइनली आज का क्लास कंप्लीट हो गया। लेक्चर था, प्रैक्टिकल आज आधे का नहीं हुआ। टीचर बस इंट्रोडक्शन, नाम, हाय हेलो, कहाँ से हो, किस स्टेट से हो। वैसे भी फॉरेनर लोग का थोड़ा ज़्यादा ही मजा लेते हैं, किस स्टेट से हो, तुम्हारे स्टेट में क्या खास बात है, ये वो दिस डेट, ये हुआ। और आज मेरा स्टार्ट हुआ यूरोलॉजी। यूरोलॉजी मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट, जो है वो जैसे किडनी, ब्लैडर, यूरेथ्रा, इन सब के बारे में पढ़ना है यूरोलॉजी में। लेकिन अब कल से जो है ना 9 बजे से लेकर और 3 बजे तक कंटिन्यू क्लास है। और अभी यूरोलॉजी हम लोग का चलेगा 11 क्लास, अभी आज से लेकर 11 दिन तक यूरोलॉजी चलेगा, जो छुट्टी है उसको छोड़कर 11th क्लास है यूरोलॉजी का। जैसे आप 4th ईयर से आ जाओगे ना तो आपका एक सेपरेट सब्जेक्ट चलेगा, जैसे यूरोलॉजी चल रहा है तो जब तक यूरोलॉजी पूरे सेमेस्टर का कंप्लीट ना हो जाए बस यूरोलॉजी का क्लास होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट चलेगा, ऐसे करके चलता है। 3rd ईयर तक तो सब मिक्स चलता है ना, संडे को कुछ और है, मंडे को कुछ और है, लेकिन 4th ईयर से नहीं, 4th ईयर से सिंगल सिंगल सब्जेक्ट चलता है। चलो फिर अभी चल के थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद नहा वहा कर, फिर नहाया भी नहीं हूँ ऐसे ही 5 मिनट पहले उठा था। चलो भाई बैठ जाओ जैसे मानो, लेक्चर में तो कुछ करना नहीं रहता है, बस खोल के बैठ जाओ उसके बाद देखते रहो थोड़ा बहुत। उसके बाद प्रैक्टिकल में तो जल्दी ख़त्म हो गया प्रैक्टिकल क्लास, तो फिर आज उतना लोचा नहीं हुआ। अभी मैं यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ, सोचा चलो भाई एक बार यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा के आएँ। और एक जो है ना एक टीचर से भी मिलना है अभी, उनसे जचोद बुक पे जो है ना सिग्नेचर कराना। लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था ना कि एक सब्जेक्ट में बाकी रह गया है, तो आज बोले थे कि आ जाओ आज जो है ना तुम्हारा जचोद बुक में साइन कर देता है, मीन्स सब्जेक्ट में क्रेडिट मिल जाएगा, तुम इस सब्जेक्ट में पास। सबसे पहले उनसे जो है ना जचोद बुक पे सिग्नेचर लेते हैं, उसके बाद लास्ट सेमेस्टर का सब चैप्टर क्लोज और आज से तो न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो ही गया है। देखो अभी क्लास ऑनलाइन, अभी जो है ना हम लोग का क्लास स्टार्ट हुआ है क्या ऑनलाइन, मे बी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ या फिर फरवरी लास्ट वीक से जो है ना ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा। अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो यूनिवर्सिटी में कोई नहीं दिख रहा है, पूरा यूनिवर्सिटी जो है ना सुनसान पड़ा हुआ है। लेकिन टीचर लोग डेली आते हैं अपने अपने कैफेदरा मिस होता है डिपार्टमेंट, अपने अपने डिपार्टमेंट में बैठते हैं और वहीं से सब अपना ऑनलाइन क्लास कराते हैं। ये देखो सामने वो तो हॉस्पिटल है, इधर पूरा यूनिवर्सिटी का कैंपस, एक इधर गेट है। अभी मैं कराऊंगा थोड़ा जो है ना यूनिवर्सिटी का भी टूर, जो है ना यूनिवर्सिटी के टूर पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। अभी थोड़ा गर्मी आ जाने दो, फिर क्लासेस वगैरह ऑफलाइन हो जाने दो, फिर एक जो है ना एक यूनिवर्सिटी पे भी जो है ना एक वीडियो बनाऊंगा। अभी सामने से कमांडेंट आ रही है हमारे हॉस्टल की, जो हॉस्टल इंचार्ज है वो बात बात कर लेते हैं थोड़ा इनसे। देखो चिल्लाई अभी कस के देखो और भी कम। तो अभी हम लोग आ गए हैं KFC, बहुत दिन हो गया था काफ़ी दिन से KFC में आकर खाया नहीं तो। और ये KFC जो है ना हमारे यूनिवर्सिटी के बगल में ही ओपन हुआ है, न्यू है अभी KFC अब तो। सो गाइस अभी हमारा फाइनली ऑर्डर आ गया, तो अभी यहाँ से ऑर्डर रिसीव करते हैं। ये देखो कार्ड तो फिल, फ्रेंच फ्राइज सब कुछ। जस्ट अभी मैं हॉस्टल वापस आया हूँ, ये क्या हो गया, ओहो माय गॉड पानी गिर गया, अभी जस्ट बोतल से पानी पिया ना वो तो। हाँ मैं अभी क्या बताने वाला था आप लोग को, यस न्यू स्टूडेंट जो है ना जो 1st ईयर में है वो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में रशिया में, यूक्रेन में, पता है वो क्या, मैं इंग्लिश मीडियम में जा रहा हूँ, रशियन लैंग्वेज मैं क्यों पर हूँ, यूक्रेनियन लैंग्वेज मैं क्यों पर हूँ, आपको लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, आपका कोर्स इंग्लिश मीडियम में है फिर भी, वरना आप हॉस्पिटल प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाओगे। ये जो है ना बात अपने दिमाग में बैठा लो। और 1st ईयर 2nd ईयर में आपके पास टाइम है लैंग्वेज सीखने का, शुरू से क्लास होता है, अल्फ़ाबेट टीचर जो है हाथ पकड़ के लिखवाती है, और मिस ये लेके चलो डेली 3-4 घंटा क्लास लग रहा है, तो यार सीख लो पढ़ लो, बस क्लास अटेंड करना है तो लैंग्वेज सीख लोगे। और लैंग्वेज सीखना बुरी आदत नहीं है कि लैंग्वेज सीख के मैं क्या करूँ, या बहुत सारे स्टूडेंट का एटीट्यूड है लैंग्वेज क्यों सीखूँ मैं, अरे भाई लैंग्वेज सीख लोगे ना तो आपके पास जो है ना एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज रहेगा। कहीं भी आप जॉब लेने जाओगे तो आप ये तो लिख सकते हो ना फॉर्म में कि हमको इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, रशियन लैंग्वेज आता है,
और भी कोई लैंग्वेज आता है तो आप वो भी लिख सकते हो, तो आपका एक जो है ना मेरिट बढ़ जाएगा। इसीलिए कभी भी जो है ना लैंग्वेज सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो अभी आप लोग को लैंग्वेज सिखा रहा है, तो आप किसी भी कंट्री में हो या फिर अगर आप इंडिया से बाहर गए हो ना, तो आपको तो लैंग्वेज सीखना ही पड़ेगा। अगर आप इंडिया से बाहर पढ़ने आ रहे हो तो चाहे फुल इंग्लिश मीडियम में हो चाहे कोई सा भी मीडियम में हो, लैंग्वेज सीखना। इवन जो है ना आप इंडिया में साउथ साइड में जाओगे तो उधर भी आपको केरला, तमिल, कर्नाटका जो लैंग्वेज है वो आपको सीखना पड़ेगा हॉस्पिटल प्रैक्टिस करने के लिए। वही आप अगर बीबीए एमबीबीए करने आ रहे हो तो उतना ज़रूरत नहीं है कि आप रशियन लैंग्वेज या भी कोई भी लैंग्वेज सीखो, आप डायरेक्ट इंग्लिश में लो एडमिशन, इंग्लिश में कोर्स करो, इंडिया वापस जाओ, बात खत्म। लेकिन एमबीबीएस में लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। सो गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा फ्रेश होकर होके फिर थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, अब तो क्लासेस स्टार्ट हो गया, इसलिए आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलता हूँ फिर आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। अगर आपके पास कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमको व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हो। +7 लगाना मत भूलना, +7 रशिया का कोड है।